नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। देवघर के सनातन फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय प्रताप सनातन अपने जन्मदिन के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत आज देवघर के डेफोल्डिल्स गार्डन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, जहां रक्तवीर ने रक्तदान किया। इस मौके पर सनातन फाउंडेशन के विजय प्रताप सनातन एवं उसकी पत्नी ने भी रक्तदान किया। मौके पर विजय प्रताप सनातन ने कहा कि इस कार्यक्रम में 20 से 25 यूनिट ब्लड डोनेशन करने का लक्ष्य है। इस शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी के मयंक कुमार, विनोद वर्मा, राजकुमार बरनवाल सहित काफी संख्या में रक्तदाता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जन्मदिन के अवसर पर कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में इस वर्ष भी आज हम लोग अपने जन्मदिन पर मेगा डोनेशन कैंप लगाए हुए हैं, जिसमें रक्तवीरों का उत्साह आप लोग देख सकते हैं। और आज हम और हमारी धर्मपत्नी स्वयं रक्तदान किए, समाज को प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप जन्मदिन में फिजूल खर्ची वगैरह छोड़कर समाज सेवा में काम आए, ऐसा कुछ काम कीजिए और इस तरह से इस शुभ दिन को सेलिब्रेट कीजिए। कितने यूनिट देने का, ब्लड डोनेशन करने का बात है? देखिए, लक्ष्य अवसर कोई टारगेट नहीं किया है, लेकिन जो लग रहा है ऐसा कि 20 से 25 यूनिट से ऊपर रक्तदान आज होगा। अपना नाम पद बताइए। विजय प्रताप सनातन, चेयरमैन सनातन।